खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में देर रात एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अचानक से आग लग गई। आग लगने से कॉलेज परिसर में भगदड़ मच गई। कैंटीन में मौजूद छात्रों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद दनकौर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की चीज़ों के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में यह भीषण आग की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैंटीन में शॉर्ट सर्किट से यह आग लग गई। आग लगने से कॉलेज परिसर में भगदड़ का माहौल बन गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शिव त्यागी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव, खबर है कि नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कल रात आग लग गई थी। कैंटीन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की वजह बताई जा रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि जैसे कि खबर है फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन आसपास की स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। वहाँ से यूनिवर्सिटी के अंदर जो कैंटीन थी उसमें अचानक से भीषण आग लग गई और देखते देखते पूरी जो कैंटीन है वो जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं सूचना पाकर मौके पर पहुंची थी और देर रात तक दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था, जिसके बाद जाँच की गई तो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन फिलहाल दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं कि आखिर जो अग्निशमन विभाग के जो नियम होते हैं उनका पालन किया गया था या नहीं किया था, और जो मानकों के अनुसार यहाँ पे इक्विपमेंट रखने होते हैं वो इस थे या नहीं थे यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन फिलहाल कोई हताहत नहीं हुई है, एक गनीमत ये रही है। लेकिन जिस तरीके से आग लगी थी उसके बाद से जो अफरा तफरी का माहौल था वो पूरी यूनिवर्सिटी में देखने को मिला था, और दमकल विभाग की जो गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं आग को उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन फिलहाल पूरे मामले की जांच दमकल विभाग के द्वारा की जाएगी कि अग्निशमन विभाग के जो नियम होते हैं मानक होते हैं उनका कितना पालन करा गया था, और जो NOC है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कब कराई गई थी या नहीं कराई गई थी, और अगर कराई गई थी तो तमाम जो मानक हैं उनका पालन यहाँ पे किया गया है या नहीं किया गया। अगर नहीं किया जाता तो यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ सुनिश्चित ही दमकल विभाग को कदम उठाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव तमाम जानकारी देने के लिए। तो संपत्ति का नुकसान सिर्फ हुआ है, यहाँ पर सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कैंटीन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर है।